हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं सर्व हरियो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपी इनके पद वंदन की नाशी विघ्न वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीताम्बरा दरू फलाधरुष्ठा पुणेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय राधेशा जय जय राधेशा जय जय राधेशा कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्यागम्या अशेष गोपी मंडल पूजता वृंदाराध्या सर्ववंद्या वृंदविहारिणी गंधर्वाहि राधिका आरम्या हि रुक्मिणी। जय राधिका जय जय राधिका जय जय राधिका जय जय राधिका। सत्यपरा सत्यभामा गोपी श्रीकृष्ण वल्लभा वृषभानुता परमेश्वरी मूलकृतिश्वरी। जय जय राधेशा जय जय राधेशा जय जय राधेशा जय जय राधेशा। परात पर परा पूर्ण चंद्र निभानना भुगे भव व्याधि विनाशिनी। जय जय राधिका जय जय राधिका जय जय राधिका जय जय राधिका। जय जय सीताराम 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 जय जय
सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय श्री हनुमान जय जय श्री हनुमान जय जय श्री हनुमान जय जय श्री हनुमान जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम वल्लभ विठ्ठल गिरधारी गिरधारी के बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी गिरधारी के बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी के बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी गिरधारी के बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री राधा जी की बलिहारी श्री वल्लभ गिरधारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी वृंदावन की बलिहारी वृंदावन की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी गिरधारी 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 की बलिहारी जो राधे गोविंद जो राधे गोविंद जो राधे जो राधे गोविंद जो राधे 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 जो राधे 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 गोविंद जो राधे 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 गोविंद जो राधे 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 गोविंद जो राधे गोविंद जो राधे गोविंद जो राधे गोविंद जो राधे 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 जो राधे 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 गोविंद जो राधे 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 जो राधे 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 गोविंद जो राधे गोविंद जो राधे गोविंद जो राधे गोविंद जो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्याम सुंदर भगवान की जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय ओम सच्चिदानंद रूपाय ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्याद हेतवे विश्वोत्पत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः श्री कृष्णाय वयम नमः बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण गोविंद
असुदेव गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल श्रीमद भागवत महापुराण एकादश ग्यारहवां स्कंद चौबीसवां अध्याय सांख्य योग आप श्रवण कर रहे हैं। काथी पहुंचाए हूं भाभी हाँ 16 श्लोक बढ़िया। आइए आधा अध्याय आपने सुना है अब आगे सुनिए। प्रकाश भाई इनके हेरे कर शर्त संगत हेरे संगत हाँ मामा के देश भले मामा की मेहनत ॾाढी हुई हाँ मामा की मेहनत विच में ॾिसजो चांहि वाहिं हाँ जल थोरी सेवा जेकी लॻे स्टील गिलास में हाँ जे नज़र न अचे कंहिंखे नज़र न लॻे वरी हा शायदि देश विदेश में ॾिसंदा पिया आहिनि मामा तव्हांखे माण्हू हा न त मामा जी सेवा क़बूल पए प्रभुअ खे संगत जी सत्संग जी कथा जी कीर्तन जी छो जो जैसा देश वैसा भेष हर समय सां परिवर्तन ईंदो ई आहे। हाणे सभिनि खां सशक्त भॻवान जे भक्तीअ जो प्रचार मीडिया थी वई आहे। कुझु साल पहिरियों वृंदावन बिल्कुलु खाली लॻल पई हूंदी आराम सां माण्हू बढ़िया निधिवन मधुवन तालवन भांडीरवन घुमंदा रहंदा। ओ मां सिंधीअ में शुरू थी वियमि श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। पहले वृंदावन में भीड़ नहीं रहती थी लेकिन जब से मीडिया में प्रचार हो गया आहा मेरो वृंदावन धाम तो देखो कितनी भीड़ हो गई। आजकल तो पांव रखने की जगह नहीं है। आप जन्माष्टमी जाओ होली जाओ एकादशी जाओ पता पड़ जाएगा। अभी गर्मी में खाली अभी संगत जा रही है 5 जून से है ना 7 जून से 6 जून से 6 जून से 15 तक 14 तक शायद है ना 14-15 तक 7 से 12 हाँ तो इसमें इतनी भीड़ नहीं रहेगी। गर्मी का भी समय है और मेरे ख्याल से संगत को भरपूर आनंद मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए ध्यान से श्रवण करें भाई ये ज्ञान की चर्चा है। सांख्य योग भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं कि ये सारा जगत कर्म और उसके संस्कारों से भरा हुआ है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। देखो भगवान कहते हैं काल रूप से यानी समय से। अभी किसने अच्छा बुरा काम किया तो अभी फल मिलेगा ऐसी बात नहीं ध्यान देना। और कर्मों के अनुसार भगवान किसी को दुख नहीं देते लेकिन जैसे कर्म हैं उनके अनुसार हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। यानी हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। विधान करने वाले श्री भगवान है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहिं सो तस फल चाखा। हरे राम। इस गुण प्रवाह में पढ़कर जीव कभी डूब जाता है कभी ऊपर आ जाता है। कभी उसकी अधोगति होती है कभी उसे पुण्य उच्च गति प्राप्त गति। जगत में छोटे बड़े मोटे पतले जितने भी पदार्थ हैं चीजें हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। प्रकृति यानी ये प्रकृति जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश पंच तत्व आदि और पुरुष यानी आत्मा जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन कुंडल सोने के विकार घड़े सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे बाद में सोना या मिट्टी ही है।
पूर्ववर्ती कारण महतत्व आदि में भी जिस समय कारण को उपादान बनाकर अपर यानी अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। मतलब यह है कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। हाँ बुधा समझ में अचे तो ईमानदारी से कुछ भी हिंदी में पढ़िए मैजिटिस आए वो कुछ समझ में, ये आत्मज्ञान तो चौ हरे राम। समझ में आया किसी को? फिर ये समझ के ऊपर अनुभव करने की बात है, तो किसी के ताकत में नहीं कि वो आत्मज्ञान पाए, ये भगवान की कृपा में है। सोई जान है जेह देह जनाई, इसलिए हम भजन करें, भगवान को पुकारें कि प्रभु हम तो बुद्धि से ही नहीं समझ पाते, आप कैसे दुनिया बनाते हो, कैसे चलाते हो, हम अपना स्वरूप नहीं जानते। पता है कि हम आत्म स्वरूप हैं लेकिन कुछ जानते नहीं, अनुभव कुछ भी नहीं। आप कृपा करो, सब आप ही के कृपा से होगा। मैं क्या जानूं ज्ञान की बातें, जीव है कैसा ब्रह्म है कैसा। बिन कारण प्रभु तुम ही कृपा करो, तेरी कृपा का भान है ऐसा। मेरी बाह पकड़ लो गिरधारी, मैं आया तेरी शरण। हरे राम हरे कृष्ण। यानी शरीर कितने बदल गए, आत्मा वही का वही है। हाँ ना भाई, हम कहते हैं ये देखो मैं बचपन में ऐसे था, मैं ऐसे दिखता था, तो वो बचपन चला गया, वापस आने वाला नहीं। जवानी अलग, बुढ़ापा अलग, मृत्यु अलग, लेकिन आत्मा तो वही है। जन्म से पहले भी, बचपन में, जवानी में, वृद्धावस्था में, शरीर के छूट जाने के बाद भी, तभी तो किसी किसी को पिछले जन्म की याद भी रह जाती है। हरे कृष्णा। भरत महाराज समझ गए ना कि मैं ही था, राजा भरत मैं ही था, हिरण के योनि में मैं ही हूं ब्राह्मण भरत, तभी तो सावधान हो गए। वो मैं था, शरीर दूसरे थे, कभी मुझे राजा का शरीर मिला, कभी हिरण का शरीर मिला, मैं उसी में लिप्त हो गया, राजा के शरीर में हिरण से प्रीत हो गई, नहीं अब नहीं चूकूंगा, अब मैं समझ गया कि मैं तो भगवान का अंश हूं, अब उन्हीं को पाना है। हरे कृष्णा, हे हरि। तो इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान यानी आधार है, और इसको प्रकट करने वाला समय काल है। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है, और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूं। शिवोहम सो अहम सो हम। जब तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति अपना काम करती रहती है, तब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है, तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से, पिता पुत्र आदि के रूप से, यह संसार का चक्र सृष्टि का निरंतर चलता रहता है। हरे राम। यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूं, प्रलय का संकल्प करता हूं, तब ये भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में, और भूमि गंध तन्मात्रा में लीन हो जाते हैं। गंध जल में, जल अपने गुण रस में, रस तेज में, और तेज रूप में लीन हो जाता है। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में, आकाश शब्द तन मात्रा यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध शब्द तन मात्रा में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में, और अंततः रजस अहंकार में समा जाती है। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में,
शब्द तन मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। हरे राम। ये आप 7 दिनों वाली भागवत कथा में शायद कभी नहीं सुना होगा, आपने सुना है कभी, टीवी पे भी नहीं सुना होगा। हरे कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद। अगर कोई गहरा अध्ययन करके इसको समझाने को भी तैयार हो जाए तो समझने वाले या तो सो जाएंगे या तो भाग जाएंगे। हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही कठिन ज्ञान है, श्रीमद् भागवत महापुराण का ही है। इसके लिए क्योंकि पहले वैराग्य चाहिए। भगवान कहते हैं योग उसका सिद्ध होता है जो बिना उकताए चित्त से निरंतर अभ्यास करता है। बिना उकताए यानी जो बोरियत महसूस न करे, अरे बोरिंग ये शब्द होना ही नहीं चाहिए योग में। ऐसे लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयतेन्द्रिय। हरे कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद। नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल दामोदर दीन दयाल दुखभंजन पूरन कृपा। तो भगवान उद्धव जी को कहते हैं सौम्य। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महत्त्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रदान महत्त्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। काल माया में जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वह उपाधि रहित अपने स्वरूप में स्थित रहता है। हरे राम। हे हरे। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वह उपाधि रहित अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वह जगत की सृष्टि और लय का आधार और अवधि है। उद्धव जी, जो इस तरह विवेक दृष्टि से देखता है उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? हरे कृष्ण। तो जब ज्ञान आ जाता है तो अज्ञान रूपी अंधकार भी नाश हो जाता है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या तो अंधकार होगा या तो प्रभात होगा, या तो सूर्योदय होगा या तो रात होगी। उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूं। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। इससे संदेह की, शंका की गांठ यानी ग्रंथि गठान कट जाती है और पुरुष यानी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भगवान ने समझाया कैसे दुनिया बनाते हैं और कैसे दुनिया भगवान लीन करते हैं, है ना एक भजन। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। भगवान सच में दुनिया बनाते हैं तो मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं लाते, अपने से ही सब प्रकट कर देते हैं। गोविंद गाइंद हो पैरों भजन आने भूल जीवा लगे तो। श्री कृष्ण गोविंद। नाथ नारायण वास। गोपाल दामोदर दीन दयाल दुखभंजन पूरन कृपा। 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ, अब 25वां। हा ना भाई, याद रखना 3 गुणों की वृत्तियों का निरूपण ये अध्याय चलेगा। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी हे नाथ ना।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल दामोदर दीनदयाल दुखभंजन पूरन कृपा भाई तव भगवत गीता पढ़ तो हेठ वही कर पढ़ मथे वो ना गायक जी गाइंदा है न तुम पढ़जो न वो भी पढ़ महात्म भी पढ़ इनके मथे वे हलो ना मामा हेठ क्यों बिहाल जसमत भी भजन गाएगी ना आज मामा की फरमाइश हुई है आप सब ऊपर बैठ जाओ या तो खड़े होकर गाना पड़ेगा या एकड़ी कुर्सी लगा छो भाई अरे वीवी भाई ला कुर्सी लगा छो एक हेठ वही न पढ़बो आ ना भाई जी माछो पढ़ा मुझे कब वाह पैंजा जी पैंजी सेवा बेन के दींदा वेंदो कमाई दींदो पैंजी दुकान जी बे के सेवा बे के दे छिंदो आइए इधर श्री कृष्ण गोविंद हरि हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल दामोदर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी जय सियाराम बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी ओ प्यारे कृष्ण मुरारी मेरे कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी मेरे कृष्ण मुरारी बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी मेरे कृष्ण मुरारी प्यारे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी ओ प्यारे कृष्ण मुरारी मेरे कृष्ण श्यामल संग है श्यामा प्यारे पीतांबर संग नीरी सारे श्यामल संग है कान्हा संग है गोविंद संग है श्यामा प्यारे श्यामल संग है श्यामा प्यारे पीतांबर संग नीरी
सारे सब नीली साड़ी बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी प्यारे कृष्ण मुरारी मेरे कृष्ण मुरारी ओ प्यारे कृष्ण मुरारी मेरे कृष्ण मुरारी सा सारे सा सारे गरे सा सारे गम गरे सा मम गम मम गरे मम गरे सारे गम सा सारे सारे गरे गम गम मम गम गरे गरे सारे सा प प ध प प ध नि ध प प ध नि सा नि ध प सा सा नि ध प ध नि सा प प ध प ध नि ध नि सा नि सा सा नि सा नि ध नि ध नि ध प प प प प प प प मम ग ग रे रे सा सा बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी बांके बिहारी मेरे प्यारे कृष्ण मुरारी मेरे कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी मेरे कृष्ण मुरारी नारायणा भजूरी हाँ नारायणा नारायणा हरि बोल नारायणा भजूरे श्याम सुंदरा मदन गोपाला सच्चिदानंद राधे गोपाला श्याम सुंदरा मदन गोपाला सच्चिदानंदा राधे गोपाला गोपालना भजूरी नारायण भजूरे विठल 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 ओ विठल 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 हरि ओम विठल 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 गोपाल सांवरिया मेरी 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 नंदलाल सांवरिया मेरे गोपाल सांवरिया गोविंद सांवरिया गोपाल सांवरिया मेरे मेरे नंदलाल सांवरिया मेरे कोई नहीं बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे कोई नहीं बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे मेरा कोई भी नहीं है बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे मेरा कोई नहीं बिन नंदलाल सांवरिया मेरे नंदलाल सांवरिया मेरे गोपाल सांवरिया मेरे
मेरे नंद लाल सावरिया मेरे हे गोपाल सावरिया मेरे हे गोपाल सावरिया मेरे हे नंद लाल सावरिया मेरे मेरा कोई नहीं बिन तेरे गोपाल सावरिया मेरे मेरा कोई नहीं मेरा 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 गोविंद गोविंद रतन लारी 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 वो तो भक्ति से झोली भरन लागी 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 मेरा गोविंद गोविंद रतन 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 लागी वो तो भक्ति से झोली भरन लागी वो तो भक्ति से झोली भरन लागी तो भक्ति से झोली भरन लागे वो तो भक्ति से झोली भरन लागे हाँ मेरा गोविंद 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 रतन लागे मेरा गोविंद गोविंद रतन लागे हो मेरा गोविंद गोविंद रतन लागे 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 ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला ओ जय जय मुरली मनोहर जय जय मुरली मनोहर मुरली मनोहर जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय मुरली मनोहर नंद लाला जय जय मुरली मनोहर नंद लाला ओ जय गोविंद 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 जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय जय मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय गोपाला जय गोपाला जय नंद लाला जय नंद लाला जय गोपाला जय गोपाला जय जय नंद लाला जय नंद लाला जय गोपाला जय गोपाला जय जय नंद लाला जय नंद लाला जय जय गोपाला जय जय गोपाला जय जय नंद लाला जय नंद लाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला ओ जय जय मुरली मनोहर गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला
गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते, जीवन गुजारा सारा इंतजार करते करते, जीवन गुजारा सारा इंतजार करते करते। देखो मैं ना समझ हूँ, पकड़ा है तेरा दामन, देखो मैं ना समझ हूँ, कहाँ जाऊं छोड़ कर मैं मेरे रंगीले साजन, कहाँ जाऊं छोड़ कर मैं मेरे रंगीले साजन। नहीं साथ छोड़ देना यूं ही राह चलते चलते, नहीं साथ छोड़ दे जीवन बिताया सारा इंतजार करते करते, जीवन बिताया सारा इंतजार करते करते, इंतजार करते करते, इंतजार करते करते, इंतजार करते करते, इंतजार करते करते। फिर अब तो मेरे बांके बिहारी मो पे कृपा करो, मेरे बांके बिहारी मो पे कृपा करो, मेरे कुंज बिहारी मो पे कृपा करो, मेरे कुंज बिहारी मो पे कृपा करो, ओ मेरे कल मलहारी मो पे कृपा करो, मेरे कृपा करो, ओ मेरे छल बिहारी मो पे कृपा करो, मेरे छल बिहारी मो पे कृपा करो, ओ मेरे कल मलहारी मो पे कृपा करो, हाँ मेरे कल मलहारी मो पे कृपा करो, ओ मेरे रास बिहारी मो पे कृपा करो, मेरे मेरे रास बिहारी मो पे कृपा करो, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया मो पे कृपा करो, कृपा, ओ मेरे बांसुरी बजैया मो पे कृपा करो, मेरे बांसुरी बजैया मो पे कृपा करो, मेरे धेनु चरैया मो पे कृपा करो, मेरे धेनु चरैया मो पे कृपा करो, ओ मेरे प्रीति बढ़ैया मो पे कृपा करो, मेरे प्रीति बढ़ैया मो पे कृपा करो, कृष्ण कन्हैया मो पे कृपा करो, मेरे कृष्ण कन्हैया मो पे कृपा करो, ओ मेरे बंसी बजैया मो पे कृपा करो, मेरे बंसी बजैया मो पे कृपा करो, ओ मेरे धेनु चरैया मो पे कृपा करो, मेरे धेनु चरैया मो पे कृपा करो। कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, जी कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, हर वक्त मस्तियों की बरसात हो रही है, जी हर वक्त मस्तियों की बरसात हो रही है, बहते ही जा रहे हैं, बहते ही जा रहे हैं, रसधार में कन्हैया बहते ही जा रहे हैं, रसधार में कन्हैया, दुनिया हुई दीवानी तेरे प्यार में कन्हैया, दुनिया हुई दीवानी
प्यार में कन्हैया देखा जब मेरा दरबार में कन्हैया देखा जब दरबार में कन्हैया गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद धान माधव देना मुझे सहारा
ना समझा उसने किया किनारा, उसने किया किनारा। इसलिए संतों के संग रखना, संतों के संग रखना, संसार से बचाना, संसार से बचाना, जीवन का क्या ठिकाना, दम टूटने से पहले गोविंद आई जाना, गोपाल आई जाना, जीवन का क्या ठिकाना, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हरि बोल, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन मेरे श्याम चले आओ, हे मुरलीधर मोहन मेरे श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन मेरे श्याम चले आओ, हे मुरलीधर मोहन मेरे श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन घनश्याम चले आओ, हे मुरलीधर मोहन घनश्याम चले आओ, राधे राधे श्याम राधे, 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 गोविंद राधे राधे राधे, गोपाल राधे राधे राधे, नंदलाल राधे राधे राधे, कृष्ण राधे राधे राधे, गोविंद राधे राधे राधे, गोपाल राधे राधे राधे, नंदलाल राधे राधे राधे, कृष्ण राधे राधे राधे, गोविंद राधे राधे राधे, गोपाल राधे राधे राधे, गोविंद राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, कृष्ण राधे राधे राधे, गोविंद राधे राधे राधे, पाल राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, सभी गाइए, राधे 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 राधे, 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 राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर, दीनदयाल
दुख भंजन पूरन कृपाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भाई आवाज साफ आ रही है आपको पीछे, कीर्तन की साजे गाजे बाजों की आवाज सब साफ आ रही है, समझ में अच्छी होती पोती आवाज, ठीक है ना? हाया न। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपा। राजेश्वरानंद जी कहते हैं, फिर मत कहना कि कुछ कर न सके। हमारा स्वभाव है जो बीत जाता है ध्यान देना, हरि बोल हरि बोल। हमारा स्वभाव है जो बीत जाता है उसे याद करते हैं, उसे फिर से जीना चाहते हैं, क्योंकि वो मिल नहीं सकता सब जानते हैं, और जो वर्तमान चल रहा है उसकी तरफ किसी का कोई ख्याल नहीं। वर्तमान के लिए फिर भविष्य में रोएंगे, जवानी में बचपन के लिए रोते हैं, बुढ़ापे में जवानी के लिए रोएंगे, और याद रखना मौत आएगी तो बुढ़ापे के लिए भी रोना पड़ेगा कि काश भजन कर लेता। फिर मत कहना कि कुछ कर न सके, जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगत का भी योग मिला, फिर भी श्री कृष्ण कृपा अनुभव कर, यदि भवसागर से तर न सके, फिर मत कहना कि कुछ कर न सके। स्वामी राम सुखदास महाराज जी कहते हैं कि भैया तैयारी तो जाने की हो रही है और योजना यहां रहने की बन रही है, छोटी सी यात्रा के लिए पूरी तैयारी रहती, लेकिन जहां अनंत यात्रा में जाना है उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं, डेट फिक्स नहीं, कब जाना है ये भी तय नहीं, लेकिन मरना है ये तय है। जो बात पक्की है, होनी है, पक्की होगी, हर इंसान के साथ होगी, उसके लिए कोई तैयारी नहीं, कमाल की बात है। जा रहना नाही ऐत जग, जिस संसार में रहना ही नहीं उसके लिए खूब तैयारियां। अब बताओ ये बुद्धिमानी है, समझदारी है कि मूर्खता है? बोलो भाई। हरे राम। अब आप विचार करो, विचार आपको करना है। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। ट्रेन का टाइम होता है तो उसके लिए भी पहले ही पहुंच जाते, हाँ, फ्लाइट का तो एक घंटा पहले सब चेक करवाना है, लेकिन जिस मौत का समय ही नहीं कब आ जाएगी, कभी भी आ सकती, एक दिन का ठिकाना नहीं। जवानों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं भाई। हरे राम हरे कृष्ण। ओहो मानुष जन्म ममोल, मिले न बारंबार। भाई हम ये नहीं कहते धंधा छोड़ दो, दुनियादारी छोड़ दो, सब करो, पर 24 घंटे में 6 घंटे भगवान के लिए निकालो ईमानदारी से। हाँ ईमानदारी से अगर आप चाहते हो कि भगवान मिले इसी जन्म में मिले, और बुढ़ापे के लिए बैठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अभी से भजन करो। प्रहलाद महाराज ने गर्भ में भजन किया, पहले जन्म लेने से पहले भागवत कथा पूरी सुनी, और जब जन्म लिया तो बच्चों को स्कूल में ही उन्होंने भागवत सुना दी, कथा सुना दी, कीर्तन सुनाया। एक महात्मा थे ब्राह्मण देवता, भक्तमाल में हमने कथा पढ़ी, नाम था ब्राह्मण देवमाली। क्या नाम था? देवमाली। वो बनमाली की भक्ति करते, यानी सत्संग सुनते सुनाते सब करते, यज्ञ करते कराते, शास्त्र पढ़ते पढ़ाते, महाराज पैसा भी खूब कमाते, लेकिन दिमाग में धनी नहीं धन बैठा। इतना सब करने के बाद भी उस ब्राह्मण देवता का लोभ नहीं गया, तृष्णा बढ़ती गई। तृष्णा तो ऐसे ही है, 100 के बाद 100 पे नहीं रुकती, फिर सीधा 1000, फिर 900 की इच्छा नहीं होती, 1000 मिला तो फिर 10,000 की नहीं, सीधा लाख पे जंप मारेगी तृष्णा, यानी ये माया की आग, लालच की। लाख मिला तो फिर 10-20 लाख नहीं भैया, फिर सीधा करोड़ नजर आता है, करोड़ के बाद फिर तो अरबों नजर आते हैं। हरी राम। रोज तो सुनते हो आप, जो 10-20-50 मंगे, शत होए 1000, तो लाख मंगेगी। हरे कृष्ण।
तो मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ब्राह्मण देवता, देवमाली बनमाली याद नहीं आए। ओहो, बस पैसे की लालच बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। लेकिन देखो सत्संग करते थे, ध्यान से सुनना, भगवान की कथा में बैठते थे, सत्संग सुनते थे, ध्यान पैसों में था, शरीर सत्संग में था, लेकिन कभी भी सत्संग की कृपा व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन सत्संग के वचन जब पैसे गिन रहा था, देख रहा था कि इतना मिला, और लालच पैदा हुई कि धरती का पहला नंबर अमीर मैं बन जाऊं। अब जैसे ऐसे विचार आए तो सत्संग के विचार आए। कौन से विचार आए? कि भैया ये मृत्यु लोक है, या मरने ही मरने वाले रहते हैं, लाख जमाती पर प्यारे याद रख, कफन में जेब नहीं होती। ऐसे वैराग्य के विचार देखो अपने आप आए, कोई आदमी नहीं आया, कोई संत महात्मा नहीं आया, वो सत्संग भगवान की कृपा हुई। और जैसे ही वैराग्य के विचार आए कि ओहो ये मैं अगर पूरा भी इकट्ठा कर लूं फिर भी छोड़ के ही जाना है, हा? या तो छोटा सा ढेर छोड़ के जाऊंगा या बड़ा विशाल ढेर छोड़ के जाऊंगा, छोड़ के जाऊंगा ये तो तय है, लेके क्या जाऊंगा? तो संतों के वचन याद आए, आहा जहां पंथ तेरा को न सहाय, वहां हरि का नाम चलेगा, वहां मेरे कृष्ण का नाम चलेगा। आंखों से धार बहने लगी आंसुओं की, ऐसी ऐसी पीड़ा हुई वैराग्य की, ऐसा तीर लगा कलेजे में कि कई सालों की जो मेहनत थी, पैसे एक दिन में सब गरीबों को ब्राह्मणों को सेवा में बांट दिए, एक दिन में सब बांट दिया। उस जमाने में लाखों रुपए, ब्राह्मण देवता देवमाली, और वन में जाकर माथा धरती पे रखकर वनमाली को पुकारने लगा, हे कृष्ण गोविंद अब तो कृपा करो जगन्नाथ, प्रभु दया करो, मैं हार गया, हे गोविंद इस पापी पतित को अपना लो, मैं तुम्हारे लाल, तुम मुझे मेरी बाह पकड़ लो। जब रोने लगा कमाल हो गया, भक्तमाल कहती है उसी एक दिन में उसको भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो मैं सत्संग की कृपा बता रहा हूं कि सत्संग किया प्यार से नहीं किया, लेकिन सत्संग के वचन जमा हो गए थे, याद आ गए, वैराग्य आ गया, अनुराग हो गया, और एक दिन में बांके बिहारी मिल गए। वो एक दिन में नहीं मिले, कई सालों का जो भजन किया था, सत्संग किया था, वो जमा पूंजी बन गई। लोभ छोड़ दिया एक क्षण में और भगवान की प्राप्ति हो गई। हरे कृष्णा। कहते हैं अपनी मर्जी भगवान के मर्जी में मिला लो, मन की मर्जी छोड़ना ही तो हरि का भजन है। श्री कृष्ण गोविंद हरि है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल दामोदर दीनदयाल रघुवंजन पूरन कृपा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राजेश्वरानंद जी बड़ी प्यारी पंक्ति गाते हैं, बोलते हैं भक्ति किसको कहते हैं? अरे भाई थोड़ी बहुत माला तो सब घुमा लेते हैं, है ना, थोड़ी बहुत आरती तो दुनिया करती है, धूप अगरबत्ती भी दुनिया करती है, हाँ, लेकिन जो भक्ति के साथ तृप्ति भी रखे, संतुष्टि भी रखे, प्रीति भी रखे, वो भक्त है। यानी संसार में समता और प्रभु से ममता। भक्त छोड़ देता है बांके बिहारी पे, प्रभु अब मैं अपनी मर्जी नहीं चलाता। वो सेवक क्या, वो दास क्या जो स्वामी को अपने इशारे पे चलाए, उस सेवक तो कभी नहीं हो सकता। अब मैंने अपनी मर्जी आपके मर्जी में मिला ली, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सही हुआ ये गलत हुआ। तो बोले न गलत चाहता हूं न सही चाहते हो, बोले जो तुम चाहते हो वही चाहता हूं। तुम्हारी हां में मेरी हां है, तुम्हारी नहीं में मैं नहीं चाहता। हरे राम।
न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ। प्रभु तेरी हाँ में, कृष्ण तेरी हाँ में, हाँ चाहता हूँ और तुम्हारी नहीं में नहीं चाहता, तुम्हारी नहीं में नहीं चाहता हूँ। आप भी बोलो, न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ। जी जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ। प्रभु तेरी हाँ में हाँ चाहता हूँ, प्रभु तेरी हाँ में हाँ चाहता हूँ और तुम्हारी नहीं में नहीं चाहता हूँ, तुम्हारी नहीं में नहीं चाहता हूँ। हाँ जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता। वाह भाई, यही तो असली भक्ति है। श्री कृष्ण गोविंद, गोपाल दामोदर। अरे भाई, मर्जी नहीं छोड़ी तो भक्ति कैसी। आज का इंसान भगवान के आज्ञा में नहीं चलना चाहता, भगवान को अपने इशारे पे चलाना चाहता। जैसे मैं कहूं नाम की प्रार्थना है, आर्डर कहने की देर है, बस इतना है कि हाथ जोड़ के कहता है, लेकिन कहता तो वही है जो उसका मन चाहता है। ये भक्ति नहीं भाई, ये तो लेन देन है, व्यापार है। लेकिन भगवान कैसे करुणा निधान, उनको तो देखो उनकी भी मुरादें पूरी कर देते हैं। हाँ हरे राम, कई तो महाराज भजन ही ऐसे बने। हाँ देखो ना, भजनों में ही लालच भरी पड़ी है, संतों के भजन नहीं है। माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। लाखों की मुरादें पूरी कर मैया, 20 रुपए का हलवा बाद में बटेगा। वाह भैया, क्या हिसाब किताब है। माता भी देखती होगी, बहुत अच्छे भक्त आए हमारे यहाँ। माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तांग के भी हलवा बांटने जी दे रहा बस। और एक तो और आगे, बहुत बड़े महात्मा जिन्होंने भजन लिखा, हम नमस्कार करते हैं, वो तो क्या कहते हैं गजानंद भगवान को, अरे देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। यहां तक ठीक है। ओ देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, ओ स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और हमारे भक्त जनों में और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, बोलो हमसे बढ़कर कौन। हाँ बुधायो, गणेश भगवान भी भाग गए होंगे, भैया ये भक्त आए हैं। हाँ
अब ये भक्ति के कौन से शास्त्र में लिखा है कि भक्त कहता है कि मैं बड़ा, इस इन्होंने तो कानून ही तोड़ दिए। और अब बढ़िया डीजे बजा के जो नाचते हैं लोग, अब वो भी यही समझते हैं कि हम ही सबसे बड़े भक्त हैं। अरे राम, अरे भाई भक्ति गिरना सिखाती है, याद रखना। ओहो, भक्ति तो रोना सिखाती है। भक्ति कहती है मुझसे नीच और कोई धरती पे नहीं, तीनों लोक में नहीं, तीनों कालों में नहीं, न हुआ है न है न होगा न संभव है। प्रभु मैं सब पतितन को नायक, सूरदास जी कहते हम तो उनसे बड़े हो गए। सूरदास जी कहते मैं पापियों का सबसे बड़ा सिरमौर हूं, सरदार हूं। और हम कहते हैं हमसे बढ़कर कौन है तुम्हारा भक्त? भक्ति समझी नहीं भाई। हरे राम, हरे कृष्ण, हे हरे, श्री कृष्ण गोविंद। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जैसे सब नदियां मिलकर सागर में समा जाती हैं, बड़े प्यारे वचन, समझ जाओ तो एक इशारा काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जैसे सब नदियां समुद्र में समा जाती हैं और समुद्र सागर महासागर उनको अपने में समेट लेता है, वो सरत्पति, उसमें कोई उछल कूद नहीं होती, तूफान नहीं आता, बवंडर नहीं आता, सहज ही सब नदियों को अपने में समा लेता है। हे अर्जुन, इसी तरह संसार में जीते जीते जो इंसान अपने भीतर अपमान को, तिरस्कार को, हानि को, लाभ को, सम्मान को, अपमान को, सब को, जहर को, अमृत को, दुख को, सुख को, खुशी को, गम को सहज ही सागर जैसे समा लेता है, वो मेरा प्यारा प्यारा भक्त है। हरे राम। अब बोलो भाई, भक्त की परिभाषा भगवान बताते हैं, 39 लक्षण बताए गीता में। तो भक्ति मार्ग कहता है कि संसार में समता, भगवान में प्रेम। जिस दिन मांग शुरू हुई, ये चाहिए वो चाहिए कुछ भी, तो फिर समझना कि भक्ति से गिर गए, लेन देन में आ गए, व्यापार में आ गए भाई, बनिए बन गए भगत से। तुम मत कहना कुछ मांग लो कन्हाई, तुम मत कहना कुछ मांग लो कन्हाई, क्योंकि अगर मैंने मांगा तो भक्त से मजदूर बन जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। वो किसी शायर ने कहा, तुम चाहो तो भूल जाओ हमें। हाँ, तुम चाहो जगदीश्वर हो ना, तुम्हारे चाहने वाले तो करोड़ों लाखों हैं, लेकिन हमारे तो तुम एक ही हो। तुम चाहो तो भूल जाओ हमें, ये हक है तुमको, लेकिन मैं भुला नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो मोहब्बत की है, मैंने तो प्यार किया है। ये गोपियों के ऊंचे दर्जे की भक्ति है। आहा, भक्ति करना सरल नहीं भाई। कल बात चल रही थी सत्संग में, हरिचर्चा में, किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, ध्यान देना, कि भक्त भगवान का था, भगवान का है, भगवान का रहेगा, सबसे पहला उसी का नाता सदा रहेगा, वो चाह के भी हट नहीं सकता सदा से। भक्त क्या कहता है कि संसार में है पर संसार से न्यारा है, कमल के फूल जैसे, कि दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं हूं, ध्यान से सुनना, दुनिया में हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से निकला हूं पर खरीददार नहीं हूं। यानी संसार में आया हूं, तेरे रंगो रौनक की एक से एक शय भरी पड़ी है, क्या तो तेरे नजारे हैं, कैसे तो तूने नगर बनाए, कैसी तो लुभावनी चीजें बनाई, कैसे तो जवान के स्वाद बनाए, कैसे तो सुंदर नर नारी बनाए, कैसा तो तूने मान सम्मान बनाया कि इंसान तुझे भी भूल जाता है। लेकिन याद रखना है कन्हैया, मेरा इनसे कोई भी मतलब नहीं, तुमने भेज दिया संसार में, आ गया, घूम रहा हूं, तेरी दुनिया है, तेरी दुनिया में गुजर बसर कर रहा हूं, बाजार देख रहा हूं, रूप रंग देख रहा हूं, रौनक देख रहा हूं, लेकिन याद रखना इनमें मैं कुछ भी तुमसे मांगता नहीं, मुझे कुछ भी चाहिए नहीं, मुझे तो तेरी ही जरूरत है। मेरी कामना है कि कामना कोई ना करूं,
तेरा सब तुझको सौंप कर आनंद तेरा दर्शन कर। एक तेरे भरोसे में रहना चाहूं गिरधारी, कृपा तेरी मिल जाए तेरे चरणों में बलिहारी। श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेव गोपाल दामोदर कृपा। तो भाई अगर सत्संग की बात देखो आप मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कई जन्म भरे पड़े भगवान को पाने के लिए। इतनी बात तो तय है कि जो सत्संग कर रहे हैं एकादशी में बैठे हैं वो 84 लाख योनियों में तो नहीं जाएंगे, जहां जन्म हरि भगत कहा। यात्रा इससे आगे ही आरंभ होगी, लेकिन अगर हम चाहें इसी जन्म में भगवान का प्रेम पाना है, इसी जन्म में मोक्ष पाना है, प्रभु की दर्शन पाना है, प्रभु के प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो भाई वचनों को संभालना पड़ेगा। सुबह हमने सुखमनी में कहा कि आप आए हो नित्यनेम कर रहे हो लेकिन चाहते हो इसी जन्म में कल्याण हो तो एकादशी में आओ 9 से 11। तो पहले 5 लोग आते थे, आज देखा कि 15 लोग बैठे हैं। मतलब सुबह का सत्संग जिसमें 200 लोग बैठे थे, सत्संग 10 लोगों ने सुना, बाकी नियम पालन करने आए थे, बाकी सब नियम पालन करने आए थे। आज जो 10 आदमी पहले पहुंचे हैं सत्संग में, उनका सत्संग पूरी तरह सफल है। हरे राम हरे कृष्ण हे हरे। तो भाई आज से याद रखो, जहां दाल न गले अपनी ताकत काम न करे तो भगवान के ऐसे चरण पकड़ लो, मानसिक रूप से ऐसे हाथ से पकड़ लो, कस के ऐसे गले लगा लो, बोले हमसे नहीं बनता प्रभु, हमसे नहीं बनता। भाई एक छोटे बच्चे की ताकत कितनी, आप कितना वजन दोगे उसको, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो, 2 साल के 3 साल के बच्चे को क्या 50 किलो का वजन दोगे, नहीं ना। तो भगवान को कहो कितना वजन दोगे हमको आप, ये तुम्हारी माया ब्रह्मा जी को चक्कर खिला चुकी है प्रभु, हम नहीं जानते सरकार, हम तुम्हारे शरण है। और गीता में भगवान ने कहा है शरणागति में कि अगर तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी शरण हूं, मानते हो ईमानदारी से, तो चिंता करना तुम्हारा काम नहीं मेरा काम है, तुम तो प्रेम से भक्ति करो, चिंता मैं करूंगा। अगर हमारे अंदर दुर्गुण भी हैं बुराइयां भी हैं तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, कितनी बड़ी बात है कि तुम भक्ति मार्ग के पथ को भाई ज्ञान मार्ग के नहीं, तुम मेरे शरण में आने वाले हो, तुम चिंता करोगे तो कलंक लगेगा मेरे ऊपर, ये भगवान कहते। अब बोलो समझ में अच्छे हो तो हिंदी में आया ना, यानी संसार में आप समता रखो, जो हो जाए सहज, जो ही राम सोई राम। आहा संत कहते हैं मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच ये हकीकत है कि जीना आ गया, कि भक्ति के साथ समता जरूर रखनी है। हरे राम हरे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, फिर धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम करिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोल सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जी जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जिसे दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जिसे दूजे नाते छोड़ दे, आशा एक राम जिसे
तुझे आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से तुझे नाते तोड़ दे। साधु संग रंग रंग राम रंग रंगिए साधु संग रंग राम रंग रंगिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए हाँ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जी जाहि विधि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए राम बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आइए भाई साहब आइए इधर से आ जाइए इधर हेड़ो अचो ना आऊं मैं आऊं लेने तालियां बजाइए बीवी भाई के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पिछले 20 साल से एकादशी सेवा में बीवी भाई लगे हैं पूरा हमारे एकादशी में गौशाला में दरबार सेवा प्रसाद सेवा में भगवान ने ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है इनसे बांह खींच के काम लेते हैं और हरे राम श्री कृष्ण गोविंद गोपाल दामोदर। आइए एक श्लोक गीता का सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 62वां श्लोक। ध्यायतो विषया पुंसः संरूप जायते संगात संग जायते कामः कामा क्रोधो भी जायते। भगवान कह रहे हैं विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। हरे कृष्ण हे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आशा ही दुखम। देखो गीता में बार बार बताया गया है कि दुख का कारण कामना है इच्छा है। हम कहते हैं कि इसने मुझे दुख दिया मेरा पैसा ले गया इसने दुख दिया इसने मेरी इंसल्ट करी इसने दुख दिया इसने ऐसा किया हमें बहुत बुरा लगा। नहीं नहीं ऐसा नजर आता है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। इच्छा ही दुख देती है कामना ही दुख देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब हम कोई कामना करते हैं आपने अजामिल जी की कथा सुनी है कि पहले खूब भक्ति करते थे भजन करते थे और उस दिन जा भी कहाँ रहे थे वो जो यज्ञ के लिए समीदा छोटी छोटी लकड़ी लाने के लिए हवन करने के लिए तो रस्ते में किसको देखा कामातुर जोड़े को देखा वेश्या को देखा उसके प्रेमी को देखा तो उसको देखा आंखों से मन में हुई कामना पैदा दृश्य अंदर चला गया इंद्रियों के द्वारा अब कामना पैदा हुई। भागवत में लिखा है सुखदेव जी कहते हैं ये कथा कुंभज ऋषि ने बताई कि उस समय अजामिल ने अपने मन को समझाया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए गलत है मैं कौन सी राह पे जा रहा हूं समझाया था महाराज लेकिन वो आंखों से जो जहर अंदर गया हरे राम उसने ऐसे ऐसे आग लगा दी कि कामना पैदा हो गई। अब कामना में कोई रोके एक काम मत करो तो उस पर क्रोध आ जाता है तो फिर अपराधी भी बन गए चोर भी बन गए डाकू भी बन गए अजामिल पापी जग जाने। एक ब्राह्मण भक्त ऐसा डाकू बन गया कि उस रस्ते पे लोगों ने आना जाना छोड़ दिया क्यों ये जो भगवान कृष्ण बताते कामना
कामना पैदा हुई, कामना को कोई रोके तो उठाए कुलाड़ी, अभी खत्म किए देता हूं। लोग भागने लगे और लिखा है कि 88 साल तक यही क्रम चलता रहा। संतों की कृपा से आपने कथा सुनी है, पर यहां कामना की बात, तो कामना अगर पूरी हुई तो और कामनाएं पैदा हो जाती हैं, कोई अंत नहीं। कामना राजा की भी पूरी नहीं होती, और कामना कोई रोके टोके ऐसा मत करो तो उसी पे क्रोध आ जाता है। हाँ, हमको समझाते हो? हाँ, हमको समझाने आए हो? तुम कौन होते हो? हमारी जिंदगी है, हम चाहे जो करें। ये भाषा शैली हो जाती है बात करने की। तो अगर कामना में कोई रोक टोक करे तो फिर क्या पैदा होता है? क्रोध। और जिस दरवाजे से क्रोध आता है खिड़की से बुद्धि कूद जाती है, बुद्धि नीचे गिर जाती है। फिर क्या होता है? बुद्धि गिर जाती है तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आदमी को पता नहीं पड़ता कि मेरे लिए भला क्या है बुरा क्या है, मोह घेर लेता है। मोह यानी अज्ञान का अंधकार ऐसा लपेट लेता है बुद्धि को कि बुद्धि समझ नहीं पाती। फिर अंत तो गत्वा क्या होता है? स्मृति भ्रम हो जाता है, वो भूल जाता है कि इसी जन्म में मुझे भगवान को पाना है। मनुष्य जन्म तो है ही भगवत प्राप्ति के लिए, वो भूल जाता है, फिर वो माया में फंस जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, यही चक्कर आ जाता है। तो इसलिए कामना का त्याग, ओहो डोंट विल, डिजायर कहो, इच्छा कहो, कामना कहो, तमन्ना कहो, ख्वाहिश कहो, आशा कहो, सब उसी के नाम है। आप करके देखो, मन में सोच के देखो, हर दुख के पीछे एक ही कारण है, कामना इच्छा। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले किसी ने अपमान किया तो ये कामना कहां से आ गई? बोले अपमान किया तो मान की कामना है, तभी तो अपमान का दुख हुआ। आखिरी दुख आता है मरने का, सबसे भयंकर जो आखिरी दुख है, पीड़ा है, वो डर है मौत का। तो बोले मौत का डर भी कामना की वजह से है, जीने की इच्छा है तभी तो मरने का डर है। बोलो परीक्षित महाराज तो नहीं डरे, तैयार हो गए भैया भगवान का ध्यान लगा के? खटवांग राजा तो नहीं डरे, पांडव तो नहीं डरे, कुंती मैया तो नहीं डरी, तैयार हो गए। जिस चीज की हम तैयारी नहीं करते उसी में डर लगता है। जो बच्चे परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं वे हंसते जाते हैं, बढ़िया एग्जाम देते हैं, और जो पढ़ते नहीं उनका चेहरा देखो, हाँ हमारा पीला पड़ जाता था चेहरा, अरे राम। तो जिसने तैयारी नहीं की ऊपर जाने की, जो मकान नहीं छोड़ेगा तो पुलिस छुड़ाएगी मकान की, निकलो भैया तुम्हारा मकान नहीं। तो ये शरीर रूपी मकान जो छोड़ना नहीं चाहेगा तो यमदूत आएंगे, धर्मराज की पुलिस आएगी और जीवात्मा को खींच के बाहर करेगी। इसलिए कामना का त्याग ही सुखी होने का राज है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण गोविंद। आज एकादशी महात्म, अभी आप सुनिए बच्चों की 5 मिनट की छोटी सी नृत्य नाटिका, बहुत प्यारी। एक भजन जसमत ने तैयार किया है तो एक भजन गोविंद दास ने तैयार किया है, और हमने तो लाखों भजन, माफ कीजिए बहुत सारे भजन आपको तंग करने के लिए तैयार किए हैं, हम तो गाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर जी ने पूछा, जनार्दन ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान बोले, राजन तुमने संपूर्ण लोकों के भले के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। इस एकादशी का नाम अपरा है, यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनता है, ये सब नरक में ही निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु एकादशी के अपरा एकादशी के सेवन से ये भी सब पापों से रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय धर्म का त्याग करके युद्ध से भाग जाता है तो वो भी
घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही अपने गुरु की निंदा करता है वह भी महापापों से युक्त होकर भयंकर नरकों में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाले पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा सोने का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य को वैसा ही फल प्राप्त होता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोल एकादशी मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगली एकादशी 18 जून निर्जला एकादशी, इस एकादशी का आयोजन बिलासपुर से आहूजा परिवार ने कराया है। आपको हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, आप सभी स्वयं पहुंचे, अपने परिवारजनों इष्ट मित्रों सबको साथ लेकर आए, भगवान की भक्ति का पूरा पूरा लाभ लेवे। 18 जून निर्जला एकादशी, स्थान बाबा आनंदराम दरबार, समय रात्रि 9 से 11। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। निर्जला निर्जला एकादशी, निर्जला निर्जला, देखो भाई निर्जला एकादशी है। कई लोग बुद्धिजीवी हमारे भाई बहन जो पहले से मजबूत इरादा करके बैठे हैं, कुछ भी हो जाए एकादशी तो रखनी ना है निर्जला, हा ना, उन्हनि खे भी हथ जोड़े वेनती, भैया देखो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, बहुत कठिन है 24 घंटे बिना पानी के रहना, लेकिन दो विनती आपसे करते हैं, ठीक है, दो विनती छोटी सी, किन के लिए, जो नहीं रखते उनके लिए, जो निर्जला नहीं रहते है ना, फल फूल वाली रखते हैं, वैसे ये है तो निर्जला, पानी का एक घूंट भी जाए तो ये निर्जला एकादशी पूर्ण नहीं मानी जाती, सूर्योदय से सूर्योदय तक इसका लाभ भी बहुत है। एक एकादशी करने से साल भर की सभी एकादशियों का लाभ इसी में मिल जाता है। लेकिन देखो कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कोई अशक्त हैं, नहीं रखना चाहते, देखो एक हाथ जोड़कर बार बार आपसे प्रार्थना है कि जो भी आप भजन करते हो एक घंटा भगवान का स्मरण ज्यादा करना, है ना, क्योंकि भगवान के नाम की भी अपार शक्ति है, ठीक है, आप कीर्तन करो, गोविंद बोलो या सीता राम 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 बोलते रहो, जो भी करो एक घंटा कम से कम 60 मिनट हाथ जोड़कर प्रार्थना है निर्जला एकादशी के लिए, आप स्मरण करना, भजन करना, कीर्तन करना, बोलो हाँ या नहीं, हाथ ऊपर करो, हाथ ठीक से ऊपर करो, जो निर्जला करेंगे वो तो और अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करेंगे ठीक सा मत, क्यों थकी ना पाओ जल्दी जल्दी, एक घंटा हे गोविंद हाथ ऊपर कर, भजन भजन, हाँ चाय रखो तभी भी, जो करें वो तो और जरूर करो ना भाई भजन, जब पानी तक नहीं पी रहे तो भगवान का नाम तो लो, बहुत थक जाते हो यार जल्दी बहुत, हाँ ठीक से हाथ ऊपर करो हनी सिंह, हाँ भगवान का भजन करना एक घंटा कम से कम। और दूसरी बात भाई, आप नहीं भी रखते हो तो कम से कम भाई सुबह आप उठते हो मध्याह्न 12 बजे तक तो व्रत कर सकते हो कि नहीं, बोलो
12 बजे तक केवल आधा दिन, वो भी व्यर्थ नहीं जाता। संत कहते हैं एक एक पहर का लाभ होता है, तीन तीन घंटे का बहुत लाभ होता है। तो 12 बजे तक कौन कौन व्रत रखेंगे, कम से कम हाथ ऊपर तो करो 12 बजे तक। ॾाढा खतरनाक माण्हू आहियो, 12 ताईं बि न रखंदो व्रत। अरे मंझन जा 12, रात जा न, दोपहर का न, तो 24 घंटा भी वेठा है शूरवीर। हाँ, और जो 24 घंटे रखते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, बस इरादा करने की देर। देखो प्यास किसको लगती है, भूख प्यास शरीर को नहीं लगती, मन को लगती है। डॉक्टर कहते हैं, शरीर विज्ञानी कहते हैं, एक एक महीना तक लोग अगर पानी पी के रह सकते हैं, और पानी पानी पिए बिना भी दो तीन दिन तो आराम से रह सकते हैं, तीन दिन तक कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमारे दिमाग में बार बार क्लिक होती है, अज पानी न पिया, मरी आपसे वैसा पानी तक न पी, पानी तक ना है तो चाहे जी केर इच्छा करे। सुरेश कुमार चवन पिया, मां तो चाहे पीएंद मचो कि निर्जल है, पानी न पीणो आ ना, चाहे लाए मना थोड़ी आ, ऐसे नहीं है भाई, पानी तक नहीं पीना तो कुछ भी नहीं पीना। श्री कृष्ण गोविंद, नारायण वासुदेव। चलो भाई, समय न गवाते हुए, हाँ जसमत आइए, भजन सुनाइए। सुबाने ने एकादशी में चलते गुरबाणी, हाँ ठीक, गुरबाणी प्यारी गुरबाणी श्रवण करे, खड़े होके आना पड़ेगा, ना कर संगत कैसे देखेगी, मेरे को देखेगी संगत, खड़े होके गाइए, हाँ खड़े होके गाइए, खड़े होके बोल। गुरु नानक देव की, पहली बार इसके लिए बोल, सियावर रामचंद्र की जय। संग सखा सब तज गए, कौन निभेयो साथ, संग सखा सब तज गए, कौन निभेयो साथ, कहो नानक विपत्ति में,
तुम्हारो एक एक
श्री कृष्ण गोविंद। यार नाम सा ओके आ जाओ, तालियां बजाइए। फिर अब आपके सामने बहुत ही सुंदर ये दरबार के नित्य सेवादारी आप देख रहे हैं। वाह वाह वाह, गुड़िया तो लगे तो साउथ में आई भाई इलाका था। मां बैठो जा की लई वजा नजर अचे थी ता के टीम। जैसे रंग बिना होली नहीं, वैसे ही कृष्ण बिना राधा नहीं। मेरे माथे की बिंदी, मेरी आंखों का काजल, मेरे कानों के झुमके, मेरा श्रृंगार, सिर्फ तुम्हारे नाम है कान्हा। आज होली है, तेरे नाम मैं सजती हूँ, तेरे रंग में रंगने का इंतजार करती हूँ। कण में राधा बसी, उस कण में बसे कृष्ण सदा से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
थोड़ी और से जोर से भाई, थोड़ी थोड़ी और जोर से, थोड़ी सी और जोर से बोलो वृंदावन बिहारी की जय। नाला तो जो नाला, वाह भाई, ये दरबार के नित्य सेवादारी गुड़िया करिश्मा निकिता चावला और गुण 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 और सनाया मलघानी और मीनाक्षी जो कन्हैया बनी थी, हाँ मीनाक्षी, प्रभु की अपार कृपा हो, ये ऐसे ही ठुमके मारते रहें, भगवान के गीतों में भक्ति में सदा नाचते रहें, माया से बचते रहें, भगवान को रिझाते रहें। बोलो वृंदावन बिहारी। एक बहुत ही प्यारा भजन जिसका भाव है कि संतों ने और भगवंत ने और संत ने कि मेरे जीवन रूपी घर को खुशियों से भर दिया, कितनी कृपा की। ये भजन हमने सुना था हमारे बाल कलाकार यश हिंदुजा, फिर हमारे प्रकाश भाई ने ओरिजिनल भजन सुनाया जो रीचा शर्मा ने गाया है, बहुत ही प्यारा भजन। आइए गोविंद दास साहब को सुना रहे हैं, खड़ा होना पड़ेगा। जसमत बीठी आता वही चिल्लाईदा मुखे भाई जसमत छोटी बिहार बीवी, हाँ नहीं यहाँ पे आ जाओ, जहाँ मामा बोलेंगे वहीं खड़ा रहना पड़ेगा, उठ के आओ, चार मान को उठा उतारेंगे, अरे ना संगत दे सर, हाँ श्री कृष्ण गोविंद गोपाल दामोदर, हाँ मथे जी श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। भाई एक तालियां उनके लिए भी बचाओ, टीचर ने जिन्होंने इनको सिखाया, हाँ उपहार लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाह भाई वाह, कोई कर्नाटक से, कोई केरल से, कोई त्रिवेंद्रम से, कोई साउथ इंडिया से, गुड़ गुड़। गुरुदेव भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे बाबा ने इतना दिया है, मेरे साईं ने इतना दिया है, खुशियों से खुशियों से मेरा घर भर दिया है, मेरे बाबा ने इतना दिया है, मेरे साईं ने इतना दिया है, खुशियों से खुशियों से मेरा घर भर दिया है, मेरे बाबा ने इतना दिया है, मेरे साईं ने इतना दिया है।
नजर टिकी ऐसी चौखट पे मेरी, कभी मुझसे साई ने नजर न फेरी, नजर टिकी ऐसी चौखट पे मेरी, कभी मुझसे साई ने नजर न फेरी, कभी मुझसे साई ने नजर न फेरी, नजरों ने इतना असर किया है, नजरों ने इतना असर किया है, खुशियों से खुशियों से मेरा घर भर दिया है, मेरे बाबा ने इतना दिया है, मेरे साईं ने इतना दिया है, अब तो कमी भी न खट की काहे पे जरा सी, अब तो गई मेरी सारी उदासी, कमी भी न खट की काहे पे जरा सी, कमी भी न खट की कहीं पे जरा सी, चरणों में जब से शीश झुका है, चरणों में जब से शीश झुका है, खुशियों से मेरा घर भर दिया है, मेरे साईं ने इतना दिया है, मेरे बाबा ने इतना दिया है, खुशियों से मेरा घर भर दिया है, मेरे कान्हा ने इतना दिया है, मेरे कान्हा ने इतना दिया। बोलो राधा रानी सरकार की जय। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, श्री राधा 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 राधा।
छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, के जग से बचाए रखना, कृपा पर साई रखना राधा रानी, कृपा पर साई रखना ओ महारानी, कृपा पर साई रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा पर साई रखना राधा रानी, कृपा पर साई रखना ओ महारानी, कृपा पर साई रखना। श्री राधा, 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 श्री राधा, 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 श्री राधा, 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 श्री राधा, 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 श्री राधा, 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 श्री राधा, 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 ये ताली मीरा ने बजाई, 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 ये ताली मीरा ने बजाई। और वो तो पी गई विश्व की प्याली, और वो तो पी गई विश्व की प्याली, बजाओ हाँ बजाओ, बजाओ राधा नाम की ताली, 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 ताली श्री राधा, 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 श्री राधा, से न्यारी जी, तीन लोगन से न्यारी जी, राधा रानी हमारी, तीन लोगन से न्यारी जी, राधा रानी हमारी, तीन लोगन से जी न्यारी, राधा रानी हमारी, तीन लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, श्री राधे, 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 राधे
है। बोलो वृंदावन हरे लाल, श्याम सुंदर भगवान की जय, गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। शांति। तजो सियानप सुरजनो सिमरो हरि हरि राम, एक आस हरि मन रखो नानक दुख भरम भोजा। कामहि नारी प्यारी जिम, लोभे प्रिय जिमदा, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। हरि ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री जगदम्बे मैया की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, जो बोले सो तरे, जगत गुरु श्री चंद्र हरे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगली एकादशी 18 तारीख 18 जून रात को 9 से 11 श्री निर्जला एकादशी। हम क्षमा मांगते हैं, आज 10-15 मिनट समय कुछ ज़्यादा हो गया है, पर संत कहते हैं सत्संग में अगर कभी देर हो जाए, ज़्यादा देर सत्संग चले, तो समझना कि भगवान की बोनस की कृपा हुई है, भगवान ने अतिरिक्त कृपा की है। हमारे एक बहुत अच्छे सत्संगी आज भजन गाना चाहते थे, श्री मनोज अग्रवाल, उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि रोज शाम को 6 से 7 सत्संग चलता है, उसमें या एकादशी में गुरुवार कभी भी गा सकते हैं। और आज चूंकि समय ज़्यादा हो गया है, क्षमा चाहते हैं। और 6 से 7 रोज सत्संग कीर्तन होता है हर एकादशी 9 से 11। हम विनती करेंगे कि जरूर जरूर हमको भजन सुनाए आज की एकादशी। हाँ भाई, आज की एकादशी हमारे दरबार साहब के सेवादारी, वाहन सेवादारी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें आप। सुंदर विग्रह मलघानी परिवार की ओर से भेंट, सेवादारी स्वीकार करें। भगवान से प्रार्थना है कि सदा संगत के वाहनों की सेवा चलती रहे, और भगवान सुखों के वाहन, भवसागर के पार लगाने वाला वाहन भी हमारे सभी सेवादारियों को मिले, खूब भक्ति मिले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, युगल सरकार भगवान की। वाह वाह। प्रेम से अगली एकादशी, हिंदुजा परिवार की ओर से, हिंदुजा परिवार अगली एकादशी लाभ लीजिएगा 9 से 11। आइए प्रेम से आरती गाइए। बोलो श्री कुंज बिहारी भगवान की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वजंती माला माला, भज
नंद के आनंद नंद लाला नंद लाला नंद के नंद मोहन ब्रज चंद परमानंद राधिका रमण बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के राधिका चमक रही आली आली लगन में ढोले बनवाली भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित शबी श्याम प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की देवता दर्शन को तरसे तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे तरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति उप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की सकल मल हारिणी से गंगा गंगा बसी शिव शिष जटा के बीच हरे अंध की चरण शवि श्री मनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की बज रही वृंदावन बेनु बेनु गोपाल धीरु धीरु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटते भव फंद तेर सना दिन दुखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की बोलो राधावन कृष्ण चंद्र की जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की एकादशी मैया की सीताराम नाम महाराज की